नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी। मैं हूं करसोग से नरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज प्रातः के समय आपको बड़ी जो है वो खुशखबरी देने जा रहे हैं। करसोग का एक युवा जो है वो रातों रात करोड़पति बना है। धन के देवता कुबेर जो हैं, जब वो अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसे ही जो है अचानक रातों रात धन की वर्षा होती है, मानो कुबेर का खजाना मिलता है। और सामान्य परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनता है तो पूरे परिवार में, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर होना स्वाभाविक है। हम आपको बताएं कि ड्रीम 11 जो है वो खेलते हुए करसोग के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर युवा हैं, ये वीर सिंह हैं। ये करोड़पति बने हैं, 1 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार इन्होंने जीता है, और इनको जो नोटिफिकेशन रात को ही वो जो है वो जीतने की आ चुकी है। और इनका ड्रीम 11 में सेकंड जो है वो द्वितीय रैंक आया है, उस कारण जो है इनको 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जीते हैं। पूरा परिवार जो है सारी रात सो नहीं पाया है, बधाई संदेश लगे हुए हैं। लगभग 12 बजे के करीब इनको जब जानकारी मिली तो पूरा परिवार जो है खुशी से झूम उठा। हम आपको बता दें कि जो वीर सिंह जिन्होंने ड्रीम 11 में ये पुरस्कार 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है, रातों रात करोड़पति बने हैं, ये पहले टैक्सी चलाते थे, मेहनती हैं और किसान के बेटे हैं, साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। अब ये स्पेयर पार्ट का कारोबार करते हैं और यहीं इसी गांव में कुटी में, जो कि करसोग का एक ऑटो हब भी माना जाता है, वहाँ पर ये व्यवसायी हैं। इनसे भी बात करेंगे। पूरा परिवार हमारे साथ है और आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें कि करसोग का जो युवा है उनसे हम जानेंगे वो किस तरह से जो है वो करोड़पति बने हैं, वो किस प्रकार जो है उन्होंने खेला है और उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने क्या महसूस किया। तो हमारे साथ हैं वीर सिंह हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता है। सर, आपका दिव्या हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। नमस्कार जी। आपको सबसे पहले तो जो है रातों रात करोड़पति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्या हिमाचल की ओर से। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं इनको बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, क्योंकि हो सकता है दूर हैं तो आवाज़ कम तो नहीं आ रही होगी। आपको ये जानकारी कब मिली कि आपने 1 करोड़ रुपये जो है वो जीत लिए हैं? रात को सर। इधर देख के बोलेंगे। रात को जी। कितने बजे पता लगा आपको? 11:30 बजे के करीब। तो जब आपने खेलना शुरू किया था तो आपको लगा था कि भी आप जीत पाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं सोचा था कि मैं जीत पाऊंगा। अच्छा, पता है कैसे हो गया? तो जीतने के बाद जो है परिवार को कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो खुशी का माहौल है। आपको जो एग्जैक्ट कितने बजे पता लगा कि भी आप जीत गए हैं? मुझे 11:33 में जानकारी आ गई, नोटिफिकेशन आई थी जी, जी। तो उस समय जो है परिवार में आपके साथ और कौन कौन लोग थे? मेरी वाइफ थे। अच्छा। मम्मी पापा जी, भैया भाभी। तो अपने बारे में आप बताएं कि आप क्या जो है पहले काम करते थे, अब क्या करते हैं, वो आप जो जानकारी दें। ठीक है जी। मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था, उसके बाद मैंने, मुझे 4 साल हुई टैक्सी छोड़े हुए, और मैं अब वर्कशॉप चलाता हूँ, ऑटोमोबाइल का मेरा काम है जी। बोलते हैं कि जब किस्मत देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, ठीक आपके साथ भी वैसा ही हुआ है जी, जी। कभी आपने सोचा था कि आप ड्रीम 11 खेलेंगे और इस प्रकार जो है वो जीतेंगे? नहीं नहीं सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। एक्चुअली मैं ड्रीम 11 14-15 दिन से खेल रहा हूँ, 15-16 दिन से। हाँ जी। तो रोजाना खेलते हैं? हाँ जी, रोजाना। तो इसमें जो है वो मैं रात को जो है 1 करोड़ रुपए की जो है वो आपको विजेता हो गए हैं जी, जी, जी। तो आपके लिए जो 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा होता है। हाँ जी। आपके लिए कितना मायना रखता है ये? बहुत मायना रखता है जी, 1 करोड़ तो बहुत है हमारे लिए जी, क्योंकि आप साधारण परिवार से हैं, आपके पिताजी जो हैं वो किसान हैं जी। तो अब आपने जो है जैसे ही रात को आप जीते भी होंगे तो आपने योजना भी जरूर बना ली होगी कि अब 1 करोड़ आ रहा है तो क्या क्या करेंगे? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, चलो सोचेंगे अभी। बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा जी, काम करेंगे जी, जी। तो हमारे साथ हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, इनके पिताजी मौजूद हैं, माताजी हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं। आप भी सब आ जाएं, यहीं आ जाएं, इकट्ठे आ जाओ, सब आ जाओ, आप आओ, इधर आओ। हमारे साथ हैं इनके पिताजी हैं। सर, आप अपना पहला नाम बताएं।
मेरा नाम दुर्गादास है जी। दुर्गादास जी, आपके बेटे ने जो है 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद जी। थोड़ा ऊंचा बोलना आपने। धन्यवाद जी। आप बताएं कि आप क्या कारोबार करते हैं? मैं तो ऐसे खेती बाड़ी करता हूँ जी। किसान हैं? किसान है जी। तो जैसे कि हमें जानकारी मिली कि आप पहले जो है वो कोल्लू भी चलाते थे, अभी भी चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी चलाते हैं। साधारण किसान परिवार से हैं। आपको कब पता चला कि आपके बेटे ने 1 करोड़ रुपए जीता है? आज सवेरे पता चला कि रात को ही पता लग गया? रात को ही पता लग गया। तो फिर कैसा माहौल था पूरे परिवार में? बहुत बढ़िया था, खुशी का माहौल था। आपका बेटा जो है वो शुरू से मेहनती है। हाँ जी। पहले टैक्सी चलाते थे, फिर अब ये कारोबार करते हैं। 12-14 साल टैक्सी चलाई जी। अच्छा। अब इसने वर्कशॉप खोली है। अच्छा। मोबाइल की जी जी। साथ स्पेयर पार्ट है जी। कृपा हो जब हो जाती तब, मतलब जब कृपा होती है तो ऐसे ही जो है समय आता है। किस्मत जब खुलती है तो ऐसे ही खुलती है। तो जो वीर सिंह हैं, जो 1 करोड़ रुपए जीते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताएं जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। नाम सरोज कुमारी है और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो आपको कब पता चला अगर रात को कि इन्होंने 1 करोड़ जीत लिया है? सर हमारे को 11:30 बजे पता चल गया कि इन्होंने 1 करोड़ जीता है। मैं तो सो गई थी, बल्कि अच्छा उठ जा। अच्छा। मेरी लॉटरी लगी है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर मैं ये उठे, मम्मी पापा के पास गए, तो जाके मैं उठी, मैंने कहा ये तो सच्ची है। सच्ची बात है। तो जब ये ड्रीम 11 खेल रहे थे तो आपने कभी रोका भी इनको कभी मत खेलो? नहीं सर, मैंने नहीं रोका। अच्छा। तो इनको जो है रोजाना खेलते थे, आपको पता था कि खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो चलो, ऐसे सोचा नहीं था कभी कि इतनी रकम मिलेगी कभी। अच्छा। तो अब 1 करोड़ जो है वो लगभग आ ही जाएंगे, जीत लिए हैं तो आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको इनको आ गई हुई है। अब 1 करोड़ से जो है वो किस तरह से आप उपयोग करेंगे? आपने भी कोई रात से योजना बना ली होगी? नहीं सर, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अच्छा जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। इनके माता जी हैं वीर सिंह जी, माता जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या जी? सेतु देवी जी। तो आपके बेटे ने 1 करोड़ रुपए जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो आपको सवेरे बताया उन्होंने कि रात को पूरे परिवार को बता दिया? हमारे को रात को ही बता दिया जी। तो पूरा परिवार खुशी से सो नहीं पाया होगा? खुशी है, ठीक है, भगवान की दया की दुआ है, ठीक है, जो भी मिला है वो ठीक है, ठीक है। पहले भी मेहनत करके कमाते थे। हाँ, और अब जो है वो किस्मत ने पलटा मारा है, और जो है किस्मत ने आपको जो है वो धन का जो राजा है कुबेर, वो उसने कृपा की है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर सिंह जी, आप हमें बताएं कि ड्रीम 11 जो है, आप लगभग 15 दिनों से खेल रहे थे जी सर, आपको भी ऐसा लगा था कि भी आप जीत पाएंगे? नहीं सर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा। चलो भगवान की कृपा है। और क्रिकेट के प्रति जो है आपका शौक है पहले से? जी जी जी। तो मतलब आपको ये टीम बनाने की जानकारी थी या? जानकारी सर थी, थोड़ी थोड़ी थी, उतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मेरे जो वर्कर है मैं उनसे ही सीखा हूँ ये। अच्छा, आपके वर्कर जो है वो भी ड्रीम 11 खेलते हैं? ड्रीम 11 खेलते हैं। अच्छा। तो काफी टाइम हो गया एक्चुअली, मुझे 16-17 दिन हुए अभी जी। तो रोजाना शाम को ही खेलते थे कि दिन के समय में? नहीं सर, शाम को ही, जब टाइम लगता था, जब मैं फ्री होता था उसी टाइम, उसी टाइम खेलते थे। तो इसमें क्या पहले कुछ खर्च करना पड़ता है? जी सर। कितना? जैसे इसका ये होता है, प्राइस होता है 49 रुपए। अच्छा जी। मतलब हर गेम जो होती है जी, एंट्री जो होती है 49 रुपए है? 49 रुपए जी। उसी से जो है टीम बनाते हैं? तो इसके लिए जानकारी भी जरूरी है, नहीं तो पैसे की बर्बादी भी हो सकती है। जानकारी जरूरी है, थोड़ी नॉलेज भी चाहिए इसके लिए जी। तो मतलब जब आप खेलते थे तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे कि आपको जीतना ही था? नहीं सर, एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। अच्छा जी जी। और एंजॉय मतलब एंजॉयमेंट के साथ साथ जो है वो जी जी पलटा बजा और छप्पर फाड़ के मिला है? जी सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 1 करोड़ जीत पाऊंगा। अच्छा जी, ये तो किस्मत है सर। तो ये पैसा जो है खैर अभी आपको मिला है तो अभी सोचा भी नहीं होगा? नहीं सर, अभी कुछ नहीं सोचा। अपने जो है व्यवसाय में लगाएंगे कि सर? कुछ अभी सोचा ही नहीं इसके बारे में जी। तो जो समाज के लिए भी थोड़ा बहुत जरूर खर्च करेंगे कि भी जो कर गए? चलो ठीक है जी, धन्यवाद। इनके जो भाई हैं उनसे बात करेंगे जी। सर आपका दिव्या हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम हेतराम है, मैं वीर सिंह का ब्रदर हूँ। तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पहुँचे, और मेरे भाई ने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है। आपको कब पता लगा? रात को ही लग गया था? रात को पता लग गया था, मैंने भी एक टीम लगाई थी। अच्छा। तो वैसे देखते देखते पता लगा कि
कैसे खेलते हैं कि ये जीत गया हूँ। अच्छा, वैसे मैं तो इससे पहले ऐसे खेलता था। अच्छा, ये अभी अभी खेलने लगा था। आप क्या कारोबार करते हैं? तो मैं घर में ही होता हूँ। अच्छा, किसान है? किसान हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। चलो, बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को, बहुत बहुत बधाई जी। वीर सिंह के भाभी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पूरा परिवार जो है खुशी से सारी रात सो नहीं पाया है, ऐसा हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं पूरे परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। तो आप, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है और शौक में वो शौक पूरा हो गया, तो शौक ही नहीं था मतलब जितना सोचा नहीं था नहीं, वो भी पूरा हो गया। तो जैसे कि जो आपके पति हैं वो भी बता रहे हैं कि वो भी खेलते हैं, तो आपको पता है कि रोजाना खेलते हैं जी। इसी उम्मीद में हैं कि भाई कभी ना कभी पुरस्कार जो है लगेगा। चलो, ईश्वर इनको भी जरूर लगाएगा, अभी भी आपके परिवार में ही आया है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई दी। तो आपने देखा कि जो पिछली रात को लगभग 11:30 बजे जो है वो करसोग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो एक परिवार है, दुर्गादास जी का परिवार है, वो पूरा परिवार आप दिव्य हिमाचल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये करोड़पति बने हैं, रातों रात करोड़पति बने हैं, जो धन के देवता कुबेर हैं उनकी कृपा हुई है और छप्पर फाड़ के दिया है। और हालांकि ये जीतने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए खेलते थे और जो है वो 1 करोड़ रुपए जो है रात को जीते हैं। इनका सेकंड जो रैंक है वो द्वितीय स्थान आया है ड्रीम 11 में, तो इनको 1 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार लगा है। तो हम दिव्य हिमाचल की टीवी के माध्यम से आपको जो है आज पूरी जानकारी दी है, पूरा परिवार आप देख रहे हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आप सभी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि ड्रीम 11 के जो करसोग के व्यवसायी हैं, जो टैक्सी चालक थे, मेहनत कश परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो जीता है। अभी तक जो हैं ये पहले ऐसे करसोग विधानसभा के युवा हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है ड्रीम 11 में जीता है। इन सबको बहुत बहुत बधाई है दिव्य हिमाचल की ओर से। आप सभी से आग्रह है कि आप इसे शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नरेंद्र शर्मा, दिव्य हिमाचल, करसोग।